give heading Gauss law, GAUSS, Gauss law. What did Gauss say? Gauss said कि अगर एक क्लोज सरफेस है, इस ये सिंपल मतलब द सरफेस इज व्हाट क्लोज्ड. अभी तक सरफेस क्लोज नहीं थे, पहले आपने स्क्वायर लिया था, फिर आपने एक रेक्टेंगल और फिर एक सर्कल. उसने कहा अगर फ्लक्स निकालते हो फ्रॉम व्हाट सरफेस, क्लोज, मतलब एक क्लोज सरफेस है और सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह है, बट आपने सरफेस पर से फ्लक्स निकाला जो कि कैसा है, क्लोज, मतलब सरफेस पर हर जगह पर छोटा एरिया लिया और वहां का ई देखा और ई डॉट डी एस करते 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 पूरा इंटीग्रेट कर दिया. तो गॉस ने कहा ये वैल्यू होती है उसके अंदर का चार्ज, सरफेस के अंदर रखा हुआ चार्ज अपॉन व्हाट, परमिटिविटी. व्हाट इज ई? फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस व्हिच इज ड्यू टू चार्ज इनसाइड द सरफेस एंड ड्यू टू चार्ज आउटसाइड द सरफेस, बट द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स विल डिपेंड ओनली ऑन द चार्ज व्हिच इज व्हाट इनसाइड. ये किसने बताया? गॉस ने. गॉस ने कहा ई डॉट डी एस अगर बड़े सरफेस पे करते हो तो मैं तुम्हें एक छोटा फॉर्मूला देता हूँ. काय को इंटीग्रेट करते हो? मैं तुम्हें छोटा फॉर्मूला देता हूँ, चार्ज इनसाइड अपॉन व्हाट, परमिटिविटी. अभी रुक जाओ, डोंट मेक इट, डोंट राइट एनीथिंग. सपोज दो चार्जेस हैं, सपोज दीज आर टू चार्जेस क्यू वन एंड माइनस क्यू टू एंड दिस इज अ क्लोज सर्फेस, दिस इज अ क्लोज सर्फेस. हर जगह E की वैल्यू है बिकॉज ऑफ क्यू वन एंड बिकॉज ऑफ माइनस क्यू टू, हर जगह E की वैल्यू है. एंड अगर मैं इससे फ्लक्स निकालूं, आई वुड गेट व्हाट, जीरो. दिस इज अ क्लोज सरफेस, ऐसे करके फ्लक्स विल बी जीरो बिकॉज चार्ज इनसाइड इज व्हाट, जीरो. इफ आई टेक दिस सरफेस, इस सरफेस पे हर जगह E की वैल्यू है ड्यू टू क्यू वन एंड ड्यू टू माइनस क्यू टू, बट द वैल्यू विल डिपेंड ओनली ऑन द चार्ज व्हिच इज व्हाट इनसाइड. सपोज आई टेक दिस सरफेस, चार्ज इनसाइड इज व्हाट, माइनस क्यू टू. सो गॉस सेड दैट इफ यू वांट टू फाइंड फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज्ड सरफेस, that value will depend only on the charge which is what, inside. This symbol in maths indicates that this which you are taking as a surface is what, closed. To itna likho, fir statement ke form mein likhaunga. तो लिखो, गॉस स्टेटेड दैट नेट फ्लक्स फ्रॉम क्लोज्ड सरफेस विल डिपेंड only on the charge inside the surface,
will depend only on the charge inside the surface. Whereas the electric field, whereas the electric field at all points on the surface, whereas the electric field at all points on the surface is the net field due to charges inside and outside.